नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC के द्वारा जो आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिससे कि वीडियो में बताई गई सारी बात आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा पोस्ट एंड वैकेंसी, दूसरा है इम्पोर्टेंट डेट्स, तीसरा है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, चौथा है एप्लीकेशन फी एंड सैलरी, और अंतिम यानी कि लास्ट हमारा है सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई। और साथ में हम लोग वीडियो के लास्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि ये वीडियो रियल है और हमारा चैनल कोई फेक वैकेंसी का वीडियो नहीं बनाता है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे निवेदन है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोस्ट एंड वैकेंसी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC के द्वारा आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए 132 यानी कि 132 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। पोस्ट आपका यहाँ पे है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर का और वैकेंसी आपको यहाँ पे है 132 यानी कि 132 पद पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो अगर हम यहाँ पे CGPSC आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी 2022 के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना आपका स्टार्ट होगा 8/6/2022 से, और लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 27/6/2022। यानी मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और आप लोग फॉर्म भरने में इच्छुक हैं, वो कैंडिडेट आपको 8/6/2022 यानी कि 8 जून 2022 से लेके 27/6/2022 यानी कि 27 जून 2022 के बीच में ऑनलाइन मेथड से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो CGPSC आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी 2022 के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको आप ग्रेजुएट इन आयुर्वेद विथ इंटर्नशिप यानी कि जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके पास आयुर्वेद में ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए इंटर्नशिप के साथ में, और आप जिस इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट आपको सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के से आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी कि इंस्टीट्यूट यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है उसी से आप ग्रेजुएट होना चाहिए आयुर्वेद में, साथ में इंटर्नशिप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो CGPSC आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर 2022 के लिए वैकेंसी निकला उसके लिए मिनिमम एज आपका है, न्यूनतम उम्र वो आपका है 22 साल यानी कि 22 ईयर्स, और अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज आपका है 30 साल यानी कि 30 ईयर्स। ठीक है, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए मिनिमम एज आपका है 22 साल और अधिकतम उम्र आपका है 30 साल। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, मैं आपको पीछे टोक रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत हो वीडियो में, पूरे वीडियो में, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा हमसे, हम आपके प्रश्नों का बखूबी उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए हमारा एप्लीकेशन फ़ी क्या है और हमारा सैलरी क्या है। तो अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो कैंडिडेट यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके लिए यहाँ पे 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, और जो भी कैंडिडेट दूसरे राज्य से यानी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 400 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्रत्येक कैंडिडेट यानी कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 30 रुपये पोर्टल फ़ी प्लस GST कंपल्सरी है। ठीक है, और अगर कुछ करेक्शन करवाते हैं आप लोग बाद में यानी कि कुछ गलती हो जाता है अभी और बाद में ठीक करवाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 100 रुपया सॉरी आपको 100 रुपया यहाँ पे आपको करेक्शन फी के तौर पे लिया जाएगा। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपका सैलरी है आपका पे मैट्रिक्स लेवल 12 के बेसिस पे आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और हमें अप्लाई कैसे करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताया गया है कि अगर फॉर्म अधिक फिल यानी कि आपको बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, लेकिन अगर कैंडिडेट को द्वारा कम फॉर्म फिल किया जाता है तो सीधे आपको इंटरव्यू
और जो आप जो फॉर्म फिल करेंगे तो आप देंगे ना वहाँ पे ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट सब, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और अप्लाई करने की बात करें तो आपको जैसे ही लिंक आता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो लिंक पे क्लिक करके आप लोग जो बेसिक डिटेल उसे फिल कर लीजिएगा। बेसिक डिटेल फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त में जो आपका डॉक्यूमेंट का साइज है उसके खास ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी केयरफुली पे कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई। तो हम लोग बिना आगे बढ़ते हैं और जाके देखते हैं कि हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सब जानकारी दी गई है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप सबके सामने एक PDF फाइल खुल जाएगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की जो वैकेंसी निकाला गया उसके लिए। आप लोग यहां देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन आपका यहां पे 8/6/2022 से लेकर 27/6/2022 के बीच में होगा, और उसके नीचे आपको यहां पे कुल जो आपका पद है यहां पे आपको 132 वो दिख जाएगा आपको। उसके नीचे आपको यहां पे जो आपके यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आवश्यक शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद में स्नातक यानी ग्रेजुएशन उपाधि और इंटर्नशिप आपके होना चाहिए, ठीक है। और साथ में यहाँ पे छत्तीसगढ़ आयुर्वेद यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में अस्थायी पंजीयन आपके होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो। और यहाँ पे वेतन दिया गया आपको यहाँ पे 56,100 से लेके 177,500 यानी कि आपको पे लेवल मैट्रिक्स 12 के बेसिस पे आपको सैलरी दिया जाएगा। और जो भी यहाँ पे आपको बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एज लिमिट के बारे में, यहाँ पे आपका एज लिमिट है 22 साल से लेके 30 साल के बीच में, जो कि हम लोग आपको वीडियो में पहले बता चुके हैं। और जो भी बाकी डिटेल है आपको आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसे पूरा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ आगे आपको फॉर्म फिल करते वक्त में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग आसानी से अपना जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों को कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पे 400 रुपया है। और सभी अभ्यर्थी यानी कि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों या फिर दूसरे स्टेट के हों, उन्हें 30 रुपया पोर्टल शुल्क प्लस GST आपको देना होगा। और उसी के नीचे यानी कि 12th नंबर पॉइंट में यहाँ लिखा गया है कि शुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक से अधिक त्रुटि के लिए 100 रुपये आपको शुल्क लिया जाएगा। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा पढ़िए और देखिए कि आपको कोई दिक्कत है कि नहीं। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पूरा पढ़ लेने के बाद आप सब इसके लिए जो फॉर्म है उसे जाके फिल कर सकते हैं जब आपका यहाँ पे डेट आता है तो। और अगर हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन नीचे में देखें तो यहाँ लिखा गया है कि आपका परीक्षा यहाँ पे 300 मार्क्स का होगा और आपका यहाँ साक्षात्कार 30 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पे 330 मार्क्स का आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो हो सकता है अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिले जिसमें कि हम लोग आपको जितना भी आपको एग्जाम का पैटर्न है और सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आपको बताएं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आप कमेंट जरूर जवाब देंगे। और अगर आवश्यकता होगा तो हम आप सबके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें पता चले कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का वैकेंसी आया है। और कोई दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का बखूबी उत्तर देंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।